कांग्रेस और वक्फ बोर्ड मिलकर कहीं किसानों तो कहीं मंदिरों की जमीन तो कहीं पूरे गांव को तेजी से हड़प रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कर्नाटक में अचानक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने झटपट किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा देने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों को ताबड़तोड़ नोटिस जारी किए जाने लगा कि वे तुरंत जमीन खाली कर दें। मामला कर्नाटक के विजयपुर जिले का है जहां वक्फ बोर्ड के दावों के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन वक्फ बोर्ड और कर्नाटक सरकार की इस साजिश का जल्द ही भांडा फूट गया। पता चला कि सरकार और वक्फ बोर्ड ने साजिश के तहत रातों रात रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड का नाम जोड़ दिया था और फिर वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। बड़ी बात यह कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसके पहले वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था। वक्फ बोर्ड की इस साजिश के बाद उसके द्वारा हड़पी गई बहुत सारी जमीनों का भांडा फूट सकता है। इसी वजह से कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष नहीं चाहता कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो। दस्तावेजों में छेड़छाड़ का खुलासा होने के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेखों में वक्फ बोर्ड का नाम शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव रातों रात हुआ और इसके लिए आरटीसी अधिकारियों का रिकॉर्ड, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड में म्यूटेशन किया गया। इस प्रक्रिया में किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे वे हैरान हैं। वहीं किसानों द्वारा इस मामले में आवाज उठाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने भी इस पर यू टर्न ले लिया। राज्य के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का कोई इरादा किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने का नहीं है और यदि गलती हुई तो उसे ठीक किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में विजयपुरा में किसानों को उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी थी कि अगर उनकी जमीनें वक्फ को सौंपी गईं, तो उनके पास जीविका चलाने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। कई किसान नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ऐसे काम एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए कर रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।